सागर जिले के देवरी कला मंडी में चना खरीदी केंद्र मढ़ पिपरिया, जो पूरे समय अनियमितताओं और लापरवाही तथा भ्रष्टाचार को लेकर पहले दिन से लगातार अंतिम दिन तक चर्चाओं में रहा है, राजनीतिक कारण से यहां पर कार्रवाई होने से बचती रही। केंद्र की एक और बड़ी अनियमितता और लापरवाही देखने को मिली, जहां पर 80 साल के बुजुर्ग कन्हैया लाल के चने का पंजीयन होने के बाद भी चना नहीं खरीदा गया। बुजुर्ग लगभग 12 किलोमीटर महाराजपुर से देवरी पैदल चलकर आए और कई बार केंद्र के चक्कर भी लगाए, लेकिन दलालों के माध्यम से खरीदी केंद्र संचालित हैं, जिसके चलते बुजुर्गों का चना नहीं खरीदा गया। बुजुर्ग ने अपनी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आर के पटेल को बताई। अधिकारी द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। कन्हैया लाल कहाँ से आए? महाराजपुर। महाराजपुर से तो आपको चना जमा नहीं हुआ है? हाँ हाँ, वो टाइम डरो मंडी में। मंडी में कौन सी समिति में जमा होने? तो कौन सी केंद्र पे? मैं अपने पतिया रहा जी, तीतर पानी में। हाँ, कहानी भाव से का बोली आपसे? नहीं करने का, पैसा लिया जो लिया। हम जा के रहे हैं, आप कितने दिन पहले गए थे उनके पास? हम अबे इतवार के दिन, वो अगले इतवार में गए थे, परसों। हाँ, और शनिचर को उनने जो बना कर रहा तो हमें। हाँ हाँ, फिर जो को पन टोकन दाओ तो। हाँ, फिर हम लेके आ गए चना, तो हम तोड़ नहीं गए, तो हमने उतनी उतार दो, हमने जिले तुम जानो भेजा हमें। कहाँ से आए हो आप? आए कहाँ से हो? महाराजपुर से। महाराजपुर से आए हो? तो लड़ाई लगी हजूर। कहाँ से आए हो? अभी वाहन तो चल नहीं रहे। हम गल्लो 460 में लिया। अच्छा, और ऐसे चले आओ पैदल और मिल गाओ कछू तो बैठ गए, मैं चले गए धीरे धीरे।